वेलकम टू वेल अकेडमी। मेरा नाम है अब्दुल और काफ़ी टाइम बाद वीडियोस आ रहे हैं और लेक्चर्स उम्मीद करता हूँ अभी रेगुलरली आपको मिलते रहेंगे। सो, इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन। ये सब्जेक्ट मैं आपको कुछ इस तरह से पढ़ाऊंगा कि रियल वर्ल्ड के एप्लीकेशंस को हम कनेक्ट करेंगे लेक्चर्स के साथ, ताकि क्या है कि जो रियल वर्ल्ड में होता है वो आपको समझ में आए, एक्चुअल में आपका जो कॉन्सेप्ट है वो प्रॉपरली आपके माइंड में बैठ जाए। और यही चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है वेरियस एंट्रेंस एग्जाम के लिए, चाहे वो गेट हो गया, कोई भी एग्जाम हो गया, स्टेट लेवल एग्जाम हो गया, जूनियर इंजीनियर का एग्जाम हो गया, कोई भी एग्जाम आप देते हो ना, तो उसमें आपको डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। यही फोकस से ये आपको लेक्चर्स मिलेंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट, ये सब्जेक्ट को अभी क्यों शुरू कर रहा हूँ और मैं कोर लेवल का सब्जेक्ट क्यों नहीं ले रहा हूँ, ये आपका क्वेश्चन होगा। तो इसका रीज़न ये है कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इसके बाद आता है कंप्यूटर साइंस वालों के लिए, तो ये सब्जेक्ट पहले पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि ये बेस आपका बनाएगा। जब आपका बेस बन जाएगा ना, उसके बाद आप कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हो, और वो हम अच्छे से समझेंगे एक बार ये हम कंप्लीट कर ले। सो, सबसे पहले हम ये सब्जेक्ट को अच्छे से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो नाउ, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन। अब आपको पता होगा कि इसके अंदर हम गेट्स, एनकोडर्स, मल्टीप्लेक्सर्स, बहुत सारी चीज़ों के साथ डील करते हैं। तो बेसिकली ये सब्जेक्ट जो है आपने रियल लाइफ में बहुत सारे एप्लीकेशंस बता सकता हूँ, आप भी बता सकते हो। सिंपल सी बात है, आप जो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज़ करते हो उसमें ये सब्जेक्ट, ये इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। स्पेशली जो आपके सिक्योरिटी सिस्टम्स होते हैं, अलार्म सिस्टम्स होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसका। और आप अगर यहाँ पे जो फायर अलार्म देखते हो, जो डोर क्लोज एंड ओपन का जो अलार्म देखते हो, वो इसी के बेसिस पे बना हुआ होता है। आपकी कार के अंदर जो डोर का अलार्म लगा हुआ होता है, जो ड्राइवर को पता चलता है कि कौन सा दरवाज़ा खुला है या फिर दरवाज़ा कार का खुला है, ये भी आपको तभी पता चलता है। पार्किंग के सेंसर से लेके ऑटोमेटिक ड्राइविंग तक सब कुछ यहाँ पे इस सब्जेक्ट से ही शुरू होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, मेरी बात मानो तो। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आपको ये सब्जेक्ट पसंद आने लगेगा और आपको फुल मार्क्स लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। GPS, ये सारी चीजें, ये मैं एप्लीकेशंस आपको बता रहा हूँ, यही इंट्रोडक्शन है हमारा, और इसी में से कोई हम एप्लीकेशन शुरू करेंगे और आपको मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। सो, यहाँ पे जितने भी स्मार्ट सिस्टम्स आप देखते हो ना, वो इस सब्जेक्ट के बेसिस पे बनी होती है। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जिसको हम बोलते हैं बुलियन एक्सप्रेशंस, ठीक है। बुलियन एक्सप्रेशंस क्या होते हैं वो हम समझेंगे, लेकिन बुलियन एक्सप्रेशंस से पहले यहाँ पे अलग अलग तरह के डिजिटल सिस्टम्स होती है, डिजिटल लॉजिक सिस्टम्स होती है। चाहे आपको मैं एक बात बताऊँ ना, तो हर एक सिस्टम के बिहेवियर के हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि वो किस टाइप के सिस्टम है, और सिस्टम डिपेंड करती है इनपुट पे और आउटपुट पे। अगर हम मानते हैं एक हमारे पास सिस्टम है, ठीक है, ये हमारे पास एक सिस्टम है, ठीक है। सो, इसमें मैं इनपुट अप्लाई करता हूँ तो मुझे यहाँ पे कुछ आउटपुट मिलेगा, ठीक है। मैं इनपुट अप्लाई करूंगा, मुझे यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। अब ये इनपुट और आउटपुट, हो सकता है कि हम एक इनपुट अप्लाई कर रहे हो और हमें मिल रहे हो बहुत सारे आउटपुट, हो सकता है यहाँ पे मैं बहुत सारे इनपुट अप्लाई कर रहा हूँ लेकिन मुझे आउटपुट में यहाँ पे बहुत सारे वापस से आउटपुट मिल रहे हैं, हो सकता है कि यहाँ पे एक ही इनपुट है लेकिन आउटपुट बहुत सारे है, मल्टीपल इनपुट्स, मल्टीपल आउटपुट्स। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं किस टाइप के सिस्टम की बात कर रहा हूँ। सो, यहाँ पे हम सिस्टम को, यानी कि डिजिटल लॉजिक सिस्टम्स को, चार अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। सो, सबसे पहला यहाँ पे है सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट। सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट, आपने शायद अगर डिजिटल लॉजिक पढ़ा है तो आपको पता होगा कि नॉट गेट क्या है, गेट्स क्या होते हैं। तो नॉट गेट क्या करता है, एक आपके पास इनपुट लेगा और आपको एक आउटपुट देगा। तो ये एक सिंपल इनपुट, सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट का एक बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। तो ये हमारा पहला हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है सिंगल इनपुट वापस से एंड मल्टीपल आउटपुट। सो, सिंगल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट में यहाँ पे आप यूज कर सकते हो डी मल्टीप्लेक्सर का। डी मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, आप एक इनपुट अप्लाई कर रहे हो और आपको मिल रहे हैं बहुत सारे आउटपुट, ठीक है, बहुत सारे मिलेंगे आउटपुट 1, 2 एंड अप टू एन।
अब ये जो है एक इनपुट पे बहुत सारे आउटपुट मिल रहे हैं, ये है डी मल्टीप्लेक्सर। लेकिन ये जो आउटपुट आपको जो मिल रहे हैं वो डिपेंड करता है कि आप उसके साथ कितने कंट्रोल्स, आपके जो कंट्रोल्स होते हैं उस हिसाब से आपके आउटपुट डिसाइड किए जाते हैं। इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले ये सारी चीज़ें, लेकिन अभी के लिए आप समझ लो तो हम मान लेते हैं कंट्रोल्स होंगे, जितने भी कंट्रोल्स होंगे उस हिसाब से आपके आउटपुट्स होंगे। लेकिन ये एक बेस्ट एग्जांपल है सिंगल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट का, और ये आपको बाद में आगे के लेक्चर्स में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये सिंगल वाला पार्ट हो गया, अब हम देखते हैं मल्टीपल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट। सो मल्टीपल इनपुट में और सिंगल आउटपुट, तो उसके लिए हमारे पास गेट्स होते हैं। अब जो भी आप गेट्स यूज करते हो, जैसे कि यहाँ पे एंड गेट हो गया, तो भाई एंड गेट में यहाँ बहुत सारे इनपुट हो सकते हैं, ये सारे इनपुट्स हैं और आउटपुट आपके पास होता है एक। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है मल्टीपल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट का, ठीक है। सो ये सारी चीजें, ये गेट्स वगैरह का बेसिक नॉलेज आपने यूनिवर्सिटी में भी शायद पढ़ लिया होगा, आपको आता ही होगा, ठीक है। फिर भी मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। उसके बाद आता है मल्टीपल आउटपुट। अब मल्टीपल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट में यहाँ पे आपको एग्जांपल के तौर पे हाफ एडर कंसीडर कर सकते हो। हाफ एडर क्या होता है, यहाँ पे आप दो इनपुट दे रहे हो और सामने जो आपको आउटपुट मिल रहा है वो भी यहाँ पे दो है, तो हाफ एडर एक बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है, मल्टीपल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट का। नब ये सब जो है एक अपने आप में एक टॉपिक्स है और सारे टॉपिक्स को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो ये तो बेसिक सा पार्ट था कि एक सिस्टम होती है उसको आप किस तरह से डिवाइड करते हो। नब ये जो एक सिस्टम है उसको आप किस अलग अलग टाइप में डिवाइड कर सकते हो, तो हम चार अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट, सिंगल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, मल्टीपल इनपुट सिंगल आउटपुट एंड मल्टीपल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट। और यहाँ इसके बेसिस पे हम यहाँ पे जो भी हमारे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स होते हैं उसको सॉल्व करते हैं। अगेन एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कॉम्बिनेशनल एंड सिक्वेंशियल। नब ये क्या होता है, हम आपने अक्सर ये टॉपिक सुना होगा कि कॉम्बिनेशनल सर्किट्स एंड सिक्वेंशियल सर्किट्स। नव ये क्या होती है इसको हम देख लेते हैं सिंपल सी भाषा में। अगर मैं आपको बताऊं, मान लो मेरे पास यहाँ पे जो आउटपुट है उसको मैं बोलता हूँ y, ठीक है। अब ये जो आउटपुट है आपको दिख रहा होगा, ये आउटपुट कैसे आया, किसके बेसिस पे डिपेंड कर रहा है, भाई जो आपने इनपुट अप्लाई किया उसके बेसिस पे डिपेंड कर रहा है, कर रहा है ना। सो यहाँ पे y इक्वल्स टू क्या हुआ, एफ ऑफ आई, मतलब आपने जो इनपुट अप्लाई किया उस बेसिस पे इसका आउटपुट आपको मिल रहा है। तो ये जो डिवाइस है, इस टाइप का जो डिवाइस है, ये और कोई नहीं कॉम्बिनेशनल डिवाइस है, कॉम्बिनेशनल सर्किट आप बोल सकते हो। बात करते सिक्वेंशियल, तो सिक्वेंशियल थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला हो जाता है। ये क्या कहता है कि मैं यहाँ पे सिर्फ इनपुट, जो करंट इनपुट जो मुझे मिल रहा है इस पे मैं डिपेंडेंट नहीं रहूंगा, मैं प्रीवियस आउटपुट को भी देखूंगा। क्या मैं करंट इनपुट जो है उस पर मैं डिपेंड नहीं रहूंगा, मैं प्रीवियस आउटपुट, क्या प्रीवियस आउटपुट को भी देखूंगा। सो यहां पे अगर सिक्वेंशियल सर्किट का आउटपुट जो है वो किस पे डिपेंड करता है, फंक्शन ऑफ करंट इनपुट एज वेल एज प्रीवियस आउटपुट, उसको हम यहाँ पे स्टेट्स भी बोल सकते हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। इंट्रोडक्शन तो आपको पता होना चाहिए कॉम्बिनेशनल एंड सिक्वेंशियल क्या है। अगर मुझे इसका डेफिनेशन बनाना हो तो किस तरह से बनाऊंगा, करंट आउटपुट्स डिपेंड ऑन करंट इनपुट, ठीक है, ये कॉम्बिनेशनल का हुआ। सिक्वेंशियल का क्या होगा, करंट आउटपुट डिपेंड्स ऑन करंट इनपुट एज वेल एज प्रीवियस आउटपुट्स आल्सो। तो ये हो गया सिक्वेंशियल का, चाहो तो आप डेफिनेशन अपनी लैंग्वेज में इस तरह से नोट्स में लिख सकते हो। तो डिजिटल लॉजिक डिजाइन का आपको ये जो इंट्रोडक्शन वीडियो है उसमें आपको बहुत कुछ ऐसा समझ में नहीं आओगे कि ये क्या है, ये हाफ एडर क्या है, गेट्स अगर आपको नहीं पता है तो क्या है, सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा। लेकिन इस जो सब्जेक्ट का जो बेस इंट्रोडक्शन है ना एप्लीकेशन लेवल पे, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अगर आपको समझ में आया मुझे कमेंट करके जरूर से बताना, कैसा लगा लेक्चर ये भी मुझे कमेंट करके बताना। नेक्स्ट लेक्चर में एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल को लेके हम एक बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ताकि ये सब्जेक्ट का फंडा आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो कमेंट करके जरूर से बताना, और नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड होता है तो फटाफट से देख लेना। और भाई वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर देना, नोटिफिकेशन आते ही आपको वीडियो का पता चल जाएगा। तो मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।